कद्दू की सब्जी एक बार इस तरीके से बना के देखिए, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, पूजाज किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पूजाज किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल पूजाज किचन सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी किलो कद्दू लिया है, एक टमाटर लेंगे, एक प्याज लेंगे, दो हरी मिर्च लेंगे, 7 से 8 कली लहसुन की लेंगे, एक पैकेट छाछ लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल को अच्छे से कट कर लेंगे। कद्दू को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, हरी मिर्च को भी कट कर लिया है, लहसुन को बारीक बारीक कट करा है, प्याज को मैंने पतला और लंबाई में काटा है, टमाटर को भी बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस को लो फ्लेम पर कर लेंगे और सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें सब्जी को रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बीच में जगह बनाएंगे और इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से ऊपर से सब्जी से कवर कर लेंगे और इसको वापस से 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन जो कद्दू है वो अभी अच्छे से पका नहीं है, इसलिए हम इसको वापस से 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें सब्जी को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम वापस से चेक कर लेंगे कि हमारी सब्जी बनी या नहीं। सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको सब्जी को मैश कर लेंगे। मैंने सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें सब्जी को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें छाछ ऐड करेंगे। याद रहे, छाछ को हम तभी ऐड करेंगे सब्जी में जब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर गैस जल रही है और हम छाछ ऐड करेंगे तो हमारी जो छाछ है वो फट भी सकती है, इसलिए हम गैस को बंद करेंगे और उसके बाद ही इसमें छाछ ऐड करेंगे। अब हम सब्जी में छौंक लगाएंगे। तो चलिए छौंका लगाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, 7 से 8 पत्ते करी पत्ता के ऐड करेंगे, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है, जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए प्याज और लहसुन का कलर कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी का छौंका बनकर रेडी है। अब हम सब्जी लेंगे और छौंके को इसके ऊपर से अच्छे से फैला लेंगे। देखिए हमारी कद्दू की सब्जी बनकर रेडी है। मैं इसको चावल के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।